तो फाइनली आज ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी को रिलीज कर दिया गया है और ये मूवी इस साल की लास्ट मूवी होने के साथ साथ एमसीयू के फेज 4 की भी लास्ट मूवी है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस मूवी की स्टोरी को डिटेल से जानते हैं और देखते हैं कि मार्वल ने बिना अपने ओरिजिनल ब्लैक पैंथर के भी इस मूवी को कितना स्पेशल बनाया है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होते हमें यह दिखाया जाता है कि वकांडा का राजा टेचाला एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से सफर कर रहा है, एक ऐसी बीमारी से जिस बीमारी का इलाज वकांडा के पास भी नहीं है। और इसीलिए टेचाला को बचाने के लिए शूरी अपनी लैब के अंदर कई तरह के टेस्ट कर रही होती है ताकि वो किसी तरह से हार्टशेप हब को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सके और उसे पिलाकर टेचाला की जान बचा सके। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ब्लैक पैंथर की फर्स्ट मूवी के अंदर किलमोंगर ने सारे हार्टशेप हब को जलाकर राख कर दिया था, इसीलिए वकांडा के पास अभी एक भी हार्टशेप हब नहीं है। यहाँ पर शूरी बहुत कोशिश करती है लेकिन वो तब भी आर्टिफिशियली उस हब को नहीं बना पाती। यहीं पर शूरी अपने आर्टिफिशियल एआई से टेचाला के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर शूरी का एआई शूरी को बताता है कि टेचाला की हालत बहुत नाजुक है और उसका हार्ट रेट लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और फिर इसके बाद ही शूरी के पास उसकी मदर रमोंडा आती है और वो वहां कर शूरी से कहती है, अब रुक जाओ शूरी, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, टेचाला अपने पूर्वजों के पास जा चुका है, यानी कि टेचाला मर चुका है। ये खबर सुनते ही शूरी और उसकी मदर दोनों रोने लगते हैं। फिर इसके आगे टेचाला का फ्यूनरल किया जाता है जहाँ पर सारे वकांडन्स अपने सम्राट टेचाला को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर इसके बाद एक साल बीत जाते हैं और वकांडा एक साल तक बिना अपने सम्राट टेचाला के जीता है। लेकिन यहीं पर हमें पता लगता है कि वकांडा ने टेचाला की मदर रमोंडा को अपना राजमाता बनाया है ताकि क्वीन रमोंडा राजा की जगह लेकर वकांडा को संभाल सके। फिर इसके अगले सीन में हमें समुद्र के अंदर एक शिप नजर आती है जो शिप वकांडा का एक रिसर्च बेस होता है और इस शिप के अंदर कुछ वकांडन्स वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी उन सब पर कुछ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और हर तरफ से उस शिप के अंदर घुस जाते हैं। ये लोग यहाँ आकर वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहीं उसी शिप के अंदर डोरा मिलाजे के वॉरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए डोरा मिलाजे के वॉरियर्स उन सभी सोल्जर्स को पेल देते हैं और उन्हें पकड़कर अपना बंदी बना लेते हैं। फिर इसके आगे हमें यूएनओ का सीन दिखता है जहाँ पर वकांडा की क्वीन रमोंडा को बुलाया जाता है और दुनिया के दूसरे देशों के सारे लीडर्स क्वीन रमोंडा से सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि वकांडा वाइब्रेनियम जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक मेटल को कैसे संभाल कर रखेंगे और कैसे वाइब्रेनियम की प्रोटेक्शन करेंगे। बेसिकली उन देशों का कहना ये होता है, वाइब्रेनियम को संभालना और उसकी हिफाजत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम अपना सारा वाइब्रेनियम हमें दे दो, हम संभाल कर रखेंगे उसे, चिंता मत करो। लेकिन इन सारी बातों का जवाब देते हुए क्वीन रमोंडा उन सबसे कहती है कि वकांडा हजारों सालों से वाइब्रेनियम की हिफाजत करता आया है और आगे भी करता रहेगा। और रही बात वाइब्रेनियम को तुम्हें सौंपने की, तो अगर हमने वाइब्रेनियम तुम्हारे हाथ में दे दिया तो तुम उससे खतरनाक हथियार ही बनाओगे और दुनिया को बर्बाद करके ही छोड़ दोगे। और फिर ये सब बोलने के बाद क्वीन रमोंडा वहाँ पर उन सारे पकड़े हुए सोल्जर्स को भी पेश करती है जो सोल्जर्स वाइब्रेनियम चुराने आए थे। और फिर क्वीन रमोंडा बोलती है कि हम जानते हैं कि तुम सब क्या सोच रहे हो, तुम सब यही सोच रहे हो कि अब वकांडा का राजा मर चुका है, इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं है और अब यही अच्छा वक्त है वाइब्रेनियम चुराने का। लेकिन इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, वकांडा ने बेशक से उसका राजा खो दिया हो लेकिन वकांडा के योद्धा आज भी वकांडा की हिफाजत करना जानते हैं। ये बोलने के बाद क्वीन रमोंडा पूरी दुनिया को ये वार्निंग देती है कि अगर इसके आगे किसी ने भी वकांडा या उसके वाइब्रेनियम पर नजर डाला तो फिर उसका अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके आगे हमें फिर से ओशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स और अमेरिकन ऑफिसर्स को देखते हैं जो ऑफिसर्स बेसिकली CIA और FBI के ऑफिसर्स होते हैं। ये सभी समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे होते हैं और इनके पास एक मशीन भी होती है जो मशीन वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकती है और इसी मशीन की मदद से इन्हें पानी के नीचे एक जगह पर वाइब्रेनियम का पता लगता है। उस वाइब्रेनियम को देखने के लिए दो ऑफिसर्स पानी के नीचे जाते हैं लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उन सभी पर हमला हो जाता है और हमें ये पता लगता है कि वो हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि टालोकान के सोल्जर्स होते हैं, यानी कि नेमोर के किंगडम के सोल्जर्स। अब टालोकान सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझ लीजिए कि नेमोर के जिस किंगडम का नाम मार्वल कॉमिक्स में अटलांटिस है उसी किंगडम का नाम MCU में टालोकान है। यहाँ पर टालोकान के लोग इन सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार देते हैं। और फिर यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि हजारों साल पहले जब वाइब्रेनियम एक मीटेरॉइड के थ्रू अर्थ पर आया था तब वो वाइब्रेनियम का मीटेरॉइड वकांडा के अलावा अटलांटिक ओशन में भी गिरा था जो कि मिला था टालोकान के लोगों को और इसीलिए MCU के अंदर वाइब्रेनियम वकांडा के अलावा टालोकान के पास भी है। इसीलिए वाइब्रेनियम के एक्सेस की वजह से टालोकान के सोल्जर्स ने अपने लिए भी वाइब्रेनियम के वेपन्स बना रखे हैं और नेमोर जो स्पीयर वेपन यूज करता है वो भी वाइब्रेनियम से ही बना है। इसके आगे हमें फिर से वकांडा का सीन दिखता है जहां पर क्वीन रमोंडा शूरी को एक नदी के किनारे ले आती है और वहां आकर क्वीन रमोंडा अपनी फ्यूनरल ड्रेस को जलाने लगती है ताकि वो अपने बेटे टेचाला की मौत के गम से बाहर आ सके। ये वकांडा के लोगों की थिंकिंग होती है कि अगर हम किसी के फ्यूनरल की ड्रेस को जला दें तो हमें उसकी याद आना बंद हो जाएगी और हम उसकी मौत के सदमे से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि शूरी इन सब पर बिलीव नहीं
करती, इसीलिए वो अपनी ड्रेस को नहीं चलाती। लेकिन क्वीन रमोंडा और शूरी दोनों ही टिचाला को याद करते हुए रोने लगते हैं। लेकिन फिर तभी नदी के अंदर से नेमोर बाहर आता है और वो क्वीन रमोंडा और शूरी से कहता है कि उसका नाम कुकुल खान है और वो टालोकान किंगडम का राजा है और उसे बाहरी दुनिया के लोग नेमोर भी कहते हैं। नेमोर उनसे बोलता है कि जब टिचाला ने दुनिया के लिए वकांडा के दरवाजे खोल दिए तब पूरी दुनिया वाइब्रेनियम के बारे में भी जान गई और तब से ही वो लोग वाइब्रेनियम के पीछे पड़े हैं, जिस वजह से उसके लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ गई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नेमोर को ये लगता है कि जिस तरह से वकांडा की सच्चाई जानते ही लोग वकांडा के पीछे पड़ गए हैं, वैसे ही जब दुनिया को टालोकान के बारे में पता लगेगा तब वो लोग टालोकान्स का जीना भी मुश्किल कर देंगे। और फिर इसके आगे नेमोर क्वीन रमोंडा को बताता है कि अमेरिकन्स के पास एक ऐसी मशीन है जो कि वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर सकती है और उस मशीन को अमेरिका के एक होशियार साइंटिस्ट ने बनाया है। आगे नेमोर क्वीन रमोंडा से कहता है कि वकांडा को टालोकान के साथ मिल जाना चाहिए और उन दोनों किंगडम्स को साथ मिलकर पूरी दुनिया पर अटैक करके उन सभी को मार देना चाहिए, ताकि इससे पहले कि दुनिया वाले टालोकान और वकांडा को खत्म करें, टालोकान और वकांडा ही मिलकर दुनिया को खत्म कर देगा, जिसके बाद वो लोग शांति से अपनी लाइफ जी सकेंगे। लेकिन क्वीन रमोंडा नेमोर के इस ऑफर को मना कर देती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वकांडा सिर्फ शांति चाहता है। ना सुनते ही नेमोर क्वीन रमोंडा से कहता है कि अगर वकांडा को टालोकान के साथ नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन वकांडा को उस अमेरिकन साइंटिस्ट को नेमोर को सौंपना होगा जिस साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम डिटेक्ट करने की मशीन बनाई है, ताकि नेमोर उस साइंटिस्ट को मार दे जिससे कि वो अमेरिकी वाइब्रेनियम को खोजते हुए उनके किंगडम में ना आए। नेमोर उन्हें एक हफ्ते का टाइम देता है और क्वीन रमोंडा से कहता है कि वो एक हफ्ते बाद दोबारा आएगा और वो भी अपनी पूरी आर्मी के साथ, और अगर तब तक वकांडा ने उस साइंटिस्ट को हमें सौंप दिया तब तो हम समझेंगे कि वकांडा हमारा दोस्त है, लेकिन अगर वकांडा ने ऐसा नहीं किया तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर ये बोलकर नेमोर वहां से चला जाता है। इसके बाद क्वीन रमोंडा डोरा मिलाजी के जनरल ओकोए को उस अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़कर लाने के लिए बोलती है जिस साइंटिस्ट ने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बनाया है। लेकिन यहाँ पर ओकोए क्वीन रमोंडा से कहती है कि वो शूरी को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, जिस पर पहले तो क्वीन रमोंडा मना करती है लेकिन बाद में वो शूरी को ले जाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद शूरी और ओकोए दोनों ही अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उस साइंटिस्ट को खोज लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को ढूंढने के बाद उन्हें पता लगता है कि जिस अमेरिकन साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम को ढूंढने वाली मशीन को इन्वेंट किया है वो असल में और कोई नहीं बल्कि एक 19 साल की कॉलेज गर्ल है जिसका नाम है रीरी विलियम्स, यानी कि आयरन हार्ट। रीरी विलियम्स के बारे में पता लगते ही ओकोए और शूरी उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन लाते वक्त ही उन्हें पता लगता है कि FBI के ऑफिसर्स उनके पीछे पड़े हुए थे और वो रीरी विलियम्स और शूरी के ऊपर हमेशा से नजर बनाए हुए थे। वो लोग उन तीनों को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रीरी विलियम्स अपने आयरन हार्ट सूट को पहनकर वहां से फ्लाई कर लेती है और ओकोए और शूरी रीरी विलियम्स की कार और बाइक को लेकर निकल जाते हैं। और फिर वो लोग किसी तरह से FBI से बचकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर तभी बीच में उन पर टालोकांस के सोल्जर्स हमला कर देते हैं। और यहां हमें पता लगता है कि इन सोल्जर्स को नेमोर ने भेजा है ताकि वो लोग रीरी विलियम्स को पकड़कर नेमोर के पास ले जाएं। यहाँ पर टालोकान सोल्जर्स ओकोए से फाइट करते हैं और रीरी विलियम्स को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओकोए उनसे लड़ती है और रीरी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि टालोकान के सोल्जर्स बहुत पावरफुल होते हैं इसीलिए वो ओकोए को हरा देते हैं और फिर वो लोग रीरी विलियम्स और शूरी को नेमोर के पास टालोकान में ले जाते हैं। फिर इसके बाद जब ओकोए वकांडा पहुंचती है तब वो क्वीन रमोंडा को ये सारी बातें बताती है, लेकिन ये बात सुनकर क्वीन रमोंडा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ओकोए को डोरा मिलाजी के जनरल के पद से हटा देती है। इसके बाद क्वीन रमोंडा सीधा नाक्या को ढूंढते हुए उसके पास जाती है जो कि पिछले 6 साल से वकांडा से दूर होती है। क्वीन रमोंडा यही सोचती है कि नाक्या बहुत से देशों में घुस चुकी है और उसे किसी और के किंगडम में घुसपैठ करने का बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो टालोकान जाकर शूरी को बचा सकती है। क्वीन रमोंडा नाक्या को सारी बात बताती है और उसे शूरी और रीरी विलियम्स को वापस लाने के लिए कहती है, जिसके बाद नाक्या सीधा टालोकान में पहुंच जाती है और वहां जाकर टालोकान के कुछ सोल्जर्स को मारकर रीरी विलियम्स और शूरी को बचाकर वापस वकांडा में ले आती है। लेकिन जब तक शूरी और रीरी विलियम्स टालोकान में नेमोर के पास होते हैं तब तक शूरी नेमोर को यह समझाने की भी कोशिश करती है कि वो रीरी विलियम्स को ना मारे, और उसी दौरान नेमोर शूरी को अपनी ओरिजिन भी बताता है और हमें भी यहाँ पर MCU के नेमोर की ओरिजिन पता लगती है। यहाँ हम ये जानते हैं कि MCU के नेमोर की एज 450 इयर्स है और 450 इयर्स पहले जो नेमोर के मदर और फादर थे वो पहले ह्यूमंस ही थे, पर नेमोर के मदर फादर और उनके गाँव के बाकी लोग बीमारी और भुखमरी से एक एक करके मारे जा रहे थे, जिसके बाद इनके गाँव के सारे लोग अपने गॉड से प्रे करते हैं और फिर उनके गॉड उनके सपने में आकर उन्हें एक फूल के बारे में बताते हैं जो फूल बिल्कुल ही हर्ट शेप हर्ब की तरह होता है। इस बारे में पता लगते ही नेमोर के मदर फादर के गांव के लोग पानी के अंदर से उस फूल को हासिल कर लेते हैं और फिर उसके अंदर से उसके रस को निकालकर वो सभी लोग उसे पी लेते हैं। लेकिन फिर उसे पीते ही उन सबकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और उनका कलर पूरी तरह से ब्लू हो जाता है और इसके साथ ही इनकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर ये लोग लैंड पर सर्वाइव नहीं कर पाते और इन्हें सर्वाइव करने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ता है, और इस टाइम पर ही नेमोर अपनी मदर के पेट में होता है, जिसके कुछ टाइम बाद नेमोर का भी जन्म होता है। और क्योंकि जब नेमोर अपनी मदर के पेट में था उसकी
उसकी मदर ने उसी टाइम पर उस हब को कंज्यूम किया था, इसीलिए उस हब की पावर्स नेमोर को भी मिलती है। और नेमोर जब पैदा होता है तब पैदा होने के साथ ही नेमोर की फिजियोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि वो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। इसके साथ ही नेमोर के पैरों में विंग्स भी होते हैं और उसके दोनों कान भी बिल्कुल नुकीले होते हैं। लेकिन फिर जब नेमोर थोड़ा सा बड़ा होता है तब नेमोर की मदर की मौत होने वाली होती है, और मौत से पहले नेमोर की मदर की सिर्फ यही इच्छा होती है कि वो अपनी पहले की दुनिया को देख सके, और जब उनकी मौत हो तब उन्हें उनके गांव में दफनाया जाए। अपनी मदर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए नेमोर अपनी मदर की डेड बॉडी को लेकर उनके गांव में पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उनके गांव के लोगों पर बहुत सारे स्पेनिश लोग जुल्म कर रहे होते हैं, और वो वहां पर नेमोर को देखते ही उस पर भी गोली चला देते हैं। लेकिन नेमोर को तो उस हमले से कुछ नहीं होता, लेकिन नेमोर उन सबको मारकर उस पूरी जगह को जला देता है। और फिर उसी दिन से नेमोर पानी के बाहर के सारे लोगों से नफरत करने लगता है। अपनी ये सारी कहानी बताने के बाद नेमोर शूरी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो कि टालोकान की जड़ी बूटियों से बना होता है। लेकिन क्योंकि इन सब के बाद नाकिया शूरी और रीरी विलियम्स को वहां से निकाल कर ले जाती है और टालोकान के कुछ सोल्जर्स को भी जान से मार देती है, इसीलिए उन सबका पता लगते ही नेमोर वकांडा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो सीधा वकांडा पर हमला कर देता है। नेमोर वकांडा पर हमला करके एक पूरे शहर को बर्बाद कर देता है जिसमें कई सारे वकांडन्स की जान चली जाती है, और उन सारे वकांडन्स के साथ साथ क्वीन रमोंडा की भी जान चली जाती है। लेकिन नेमोर इस हमले को सिर्फ एक वार्निंग कहता है। आगे नेमोर वकांडा से कहता है, मैं अब कुछ दिनों बाद अपनी पूरी आर्मी लेकर आऊंगा और पूरे वकांडा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर ये बोलकर नेमोर अपनी आर्मी के साथ वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही शूरी को ये पता लगता है कि उसकी मदर की भी मौत हो चुकी है, तब इस बात को जानते ही वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन फिर शूरी नेमोर को रोकने और उससे बदला लेने के लिए हर्षे भारत पर फिर से काम करने लगती है, और फिर जो ब्रेसलेट उसे नेमोर ने दिया होता है वो उसके अंदर की जड़ी बूटियों को निकाल लेती है और उस पर टेस्ट करने लगती है, जिससे शूरी को ये पता लगता है कि उन जड़ी बूटियों के अंदर भी हर्षे भारत की एबिलिटीज हैं। और फिर ये जानते ही शूरी उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेती है और उन्हें अपने भाई टिचाला के डीएनए के साथ मर्ज कर देती है, जिसके बाद वो फाइनली आर्टिफिशियली हार्ट शेप हब को क्रिएट कर लेती है। और फिर इसके बाद नाकिया वो हार्ट शेप हब शूरी को पिला देती है, जिसके बाद जैसे ही शूरी वो हार्ट शेप हब पीती है वैसे ही उसे ऐसा लगता है कि उसे उसके एंसेस्टर्स दिखेंगे, यानी कि उसकी मदर या फिर फादर। लेकिन शूरी को नजर आता है किलमोंगर, जो कि उससे कहता है कि शूरी अपने भाई टिचाला की तरह रहम दिल नहीं है, वो टिचाला की तरह महान नहीं है, वो उसी की तरह है, उसे भी सिर्फ बदला चाहिए, कि जैसे मैं अपने पापा का बदला लेने आया था तुम भी अब नेमोर से अपनी माँ का बदला लेना चाहती हो, तुम अपने भाई जैसी नहीं हो। ये सब सुनकर शूरी जग जाती है और शूरी को हर्षेप हब की वजह से सुपर ह्यूमन पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद शूरी अपना बनाया हुआ ब्लैक पैंथर सूट निकालती है और उसे पहनकर बनती है नई ब्लैक पैंथर। और इसके साथ ही यहीं पर शूरी के लैब में रीरी विलियम्स अपने लिए अपना भी एक आयरन हार्ट सूट बना लेती है, जो कि काफी एडवांस होता है। और शूरी और रीरी विलियम्स ने ये पहले से ही पता लगा लिया होता है कि नेमोर की कमजोरी हीट है, और इसीलिए अगर उसे हीट वाली जगह पर रखा जाए या फिर उसे पानी से काफी देर तक दूर रखा जाए तो वो कमजोर पड़ सकता है। इन सारी तैयारियों के बाद शूरी अपनी वकांडन आर्मी को तैयार करती है और फिर सीधा वो लोग नेमोर के किंगडम पर हमला कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर टालोकांस और वकांडन्स के बीच बहुत खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, और शूरी अपने ब्लैक पैंथर कॉस्ट्यूम में आकर नेमोर को अपने एक शिप में ले आती है, जिसके अंदर उसने बहुत बड़े बड़े हीटर्स लगा रखे होते हैं और उनसे बहुत सारी हीट निकल रही होती है। इतनी हीट की वजह से नेमोर कमजोर तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में उसका वाइब्रेनियम स्पीयर होता है इसीलिए वो उस पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो शिप नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन शूरी किसी तरह से उस शिप को उड़ाकर एक रेगिस्तान के पास ले जाती है ताकि वो नेमोर को पानी से दूर रख सके। फिर इसके बाद उस रेगिस्तान में आकर शूरी और नेमोर के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, और इस फाइट में नेमोर अपना वाइब्रेनियम स्पीयर शूरी के पेट के आर पार कर देता है, जिससे शूरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और फिर नेमोर सीधा पानी की तरफ जा रहा होता है ताकि उसे उसकी ताकत वापस मिल सके, लेकिन उसके पानी तक पहुंचने से पहले ही शूरी अपने टूटे हुए शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे निकलने वाली आग से नेमोर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और फिर शूरी नेमोर के वाइब्रेनियम वेपन को उठाकर उसी के ऊपर एम कर देती है और नेमोर से कहती है कि या तो तुम इस जंग में हार मानो या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और तुम्हें हार मानना ही होगा क्योंकि अगर तुमने जंग नहीं रोकी तो दूसरों के साथ साथ तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। नेमोर शूरी के बात समझ जाता है और इसीलिए वो शूरी के सामने हार मान जाता है। इसके बाद शूरी और नेमोर दोनों एक साथ मिल जाते हैं और अपने लोगों के पास जाकर जंग को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद टालोकान और वकांडा एक दूसरे का दोस्त बन जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और टालोकान और वकांडा अपने अपने किंगडम में वापस खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वकांडा के अंदर ये नियम है कि किसी भी पर्सन को राजा बनने से पहले अपने आप को साबित करना पड़ता है, और एक कल्चरल सेरेमनी के दौरान उसे बिना किसी हर्षे भाव के अपने आप को सर्वशक्तिमान साबित करना होता है, और क्योंकि शूरी वकांडा की नई महारानी बनी है इसीलिए उसे भी अपने आप को साबित करना होगा, वो भी अपने चैलेंजर को हराकर। लेकिन यही सेरेमनी में हम देखते हैं कि शूरी वहां से गायब होती है और वहां पर आता है अम्बाकू, और यहीं पर हमें हिंट दिया जाता है कि अब से अम्बाकू ही वकांडा का नया राजा है। हालांकि ये बात बताई तो नहीं जाती,
लेकिन मार्वल ने इस चीज को थोड़ा सा टीज जरूर किया है। इसके बाद हम शूरी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि शूरी यहाँ से सीधा नकिया के पास गई है और नकिया के पास जाकर वो अपनी फनरल ड्रेस को जला देती है ताकि वो अपने भाई की मौत के गम से बाहर आ सके। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब इसके बाद मूवी का मिड क्रेडिट सीन स्टार्ट होता है जो कि ठीक वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर ये मूवी एंड हुई है। यहां पर हम शूरी को बैठे हुए देखते हैं जिसके पास नकिया आती है और वो शूरी से अपने बेटे को मिलवाती है और वो शूरी को बताती है कि वो उसका और टिचाला का बेटा है जिसे उन दोनों ने सबसे छुपा कर रखा है और इस बारे में टिचाला और नकिया के अलावा सिर्फ क्वीन रमोंडा को ही पता है और अब क्वीन रमोंडा के बाद शूरी को। फिर यहाँ पर टिचाला और नकिया का बेटा शूरी को अपना नाम बताता है और वो शूरी से कहता है कि वो सम्राट टिचाला का बेटा है और उसका नाम है टिचाला। और फिर इसके बाद ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो बस यही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी की कंप्लीट स्टोरी थी। आपको ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।